क्या इतनी इंडिया बड़ी में, नहीं हुई है ना यार, इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है ना, तो इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी पुरानी भी नहीं है। मोस्टली इंडियन एनिमेशन सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। ओके ओके हम ऑर्डर पे चीजें बनाते हैं, चैनल से ऑर्डर मिला तो चीजें बनाएंगे। अच्छा हमारी हलवाई की दुकान नहीं है, हम ओके जोमेटो है, हम क्लाउड किचन है। ओके आप ऑर्डर करते हैं, हम बना के दे देते हैं। हम कुछ बना के ला रहे होते हैं, हम आपको पिच करते हैं, हम बोलते हैं आपको पसंद आएगा क्या, देन से हाँ ये अच्छा लग रहा है, देन वी मेक इट। सो ये मोस्टली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। अभी भी जो स्टूडियो वाला जो एक स्ट्रक्चर हुआ करता है अमेरिका में, वो हमारे यहाँ अभी भी डेवलप हो रहा है यार। हमारे यहाँ अभी उजरा नहीं है जहाँ पे कि एक स्टूडियो बोले ये मैंने करना है और यू नो चैनल लाइन लगा के खड़े हो जाएं। हम लोग अभी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन इंडस्ट्री। ये जस्ट मैं ग्राफिक इंडिया की नहीं बोलूँ, ग्राफिक इंडिया में हमारा अप्रोच बहुत अलग था। बट अदरवाइज जो भी बड़े स्टूडियोज हैं इस समय एनिमेशन के, हम मोस्टली सर्विस बेस्ड लोग हैं। कभी चैनल हमें आके कुछ काम दे जाता है, कभी हमारा कोई काम चैनल को पसंद आ जाता है और हम उसको उनको बना के देते हैं। मैं तीनों तरफ रह चुका हूँ इस इंडस्ट्री के। तो मैं यस यस एज अ फ्रीलांसर रह चुका हूँ जहाँ पे कि मैंने चीजें बनाई और पिच की, फिर मैं एक चैनल का पर्सन रह चुका हूँ, ओके अभी भी एक चैनल के साथ संबंधित हूँ। इसके अलावा मैंने स्टूडियोज रन किए हैं, तो मैं तीनों साइड से मैंने देखा हुआ है और यही उसका ओके सबसे। तो ये जो चीज़ है, अभी मैंने एक और भी सुना था इसके बारे में कि मतलब ये एनिमेशन एक्सप्रेस में ही कि द लेजेंड ऑफ हनुमान एक ऐसा शो है जो शायद जापान और दूसरे कंट्रीज़ में भी काफ़ी पसंद किया जाता है, और वहाँ पे भी शायद अभी डब जी होने जी वाला है उसमें। तो ये जी मतलब ये आप क्या इसको ऐसा मान सकते हैं कि ये एक ऐसा लाइक शो हो सकता है इंडिया की तरफ से? हम लोग एनिमे देखते हैं, हम लोग मार्वल डीसी देखते हैं, हमारे तरफ से एक ऐसा हो सकता है जो एक्चुअली वर्ल्ड के लिए हम लोग कुछ कुछ कैटर कर रहे हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट, कि भाई हम लोगों क्यों की नहीं तरफ से यार, भी तो कुछ मतलब जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। नई इंडस्ट्री जहां जहां कुछ अच्छा करेगी मुझे तो अच्छा ही लगेगा। और मैं हमेशा सोचूंगा कि एवरी नॉक ऑन द डोर इज यू नो गोइंग टू ओपन द डोर्स। तो डेफिनेटली अगर इससे इंडस्ट्री को फायदा होता है और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं हमारे यहाँ से जो इंडिया का यू नो एक्सपोर्ट बनते हैं, व्हाई एग्जैक्टली नॉट, होना चाहिए एग्जैक्टली यार, क्यों नहीं बिकॉज होना अभी चाहिए, भी बिल्कुल अभी होना चाहिए। मैंने पढ़ा था कि आई थिंक हम लोगों का जो कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल कंट्रीब्यूशन, मतलब मैं सब में बोलूँ, शायद 3 या 4% अभी एनिमेशन इंडस्ट्री में, राइट? ऐसा कुछ है, 3 या 4% ही, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल। उससे ज़्यादा हमारी नहीं। एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत यंग है, लेकिन अभी भी जो हमारा टारगेट ऑडियंस है वो मेनली किड्स है। हाँ, देयर आर ये कपल ऑफ मेरा थिंग्स नेक्स्ट जहाँ क्वेश्चन पे था जहाँ एक्चुअली। हाँ हाँ जहाँ जहाँ मुझे मुझे बड़ा मन था कि मैं मच्योर ऑडियंस के लिए शोज करूँ या मच्योर ऑडियंस के लिए कुछ चीजें प्रोड्यूस करूँ। और मेरा मेरी मेरी अपनी कंपनी का पहला प्रोडक्शन जो था, इट वॉज कॉल्ड ब्लेजिंग बाजीराव। वो बाजीराव मस्तानी का एक तरीके से प्रीक्वल था जो मैंने प्रोड्यूस किया था इरोस और संजय लीला भंसाली फिल्म के लिए। यूट्यूब पे है वो भी, आप देख सकते हैं। तो वहां से ही मेरा विचार ये था कि एनिमेशन देखने वाले बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन क्या हम उनको केटर कर रहे हैं? मैं कॉमिक कॉन में जाता हूँ, 20-25 साल के लड़के आके मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं कि वो दे ग्रू अप वॉचिंग रोल नंबर 21 एंड देव सीन माय नेम ओवर देयर। अब वो जो 20-22 साल 25 साल का बच्चा है, जो कि बच्चा भी नहीं बोलना चाहिए, 20-22 साल का अडल्ट है, जिस जो कि यू नो एनिमे देख रहा है और जो डेथ नोट देख के आ गया है, चेनसॉ मैन देख रहा है और ये सारी चीजें देख के आ रहा है, क्या उसको देने के लिए मेरे पास कुछ है? तो बहुत ज्यादा कुछ कुछ भी नहीं है। लेजेंड ऑफ नहीं। हनुमान है हमारे पास, बाहुबली एडवेंचर्स है हमारे पास, कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं जो हम लोग बना रहे हैं। रिक एंड मोर्टी तक, या रिक एंड मोर्टी तो छोड़ दो, अभी सिम्पसन्स तक जाने के लिए भी 15-20 साल हम लोगों को लगेंगे। देर आर पीपल हु आर ट्राइंग थिंग्स आउट, लाइक सुमित कुमार है बकर मैक्स के, वो बना रहे हैं यस आपकी यस पूजिता नाम से एक शो बना रहा है। इस तरीके के लोग हैं जो कुछ कुछ चीजें ट्राई कर रहे हैं। मगर मुझे ये लगता है कि जो हम जिसको बोलते हैं मच्योर एनिमेशन या अडल्ट एनिमेशन, वहां जाने में अभी अभी वक्त लगेगा।